हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठशाला आईआईटी जेई और मेडिकल मुजफ्फरपुर। हेयर आई एम शिमांशु कुमार, परसुइंग माय बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड नाउ अ फैकल्टी ऑफ फिजिक्स इन पाठशाला आईआईटी जेई मुजफ्फरपुर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फिफ्थ लेक्चर ऑफ द चैप्टर साउंड ऑफ क्लास 8। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। इन ऑल दोज प्रीवियस लेक्चर्स वी हैड कंप्लीटेड टिल प्रोडक्शन ऑफ साउंड। In production of sound, we will have seen that there were three necessary things that is must be there for production of a sound. So let us start. Fine. तो हम लोगों ने इससे पहले देख लिया था कि अगर sound का production होना है तो फिर किसी भी body का vibration बहुत जरूरी है। बिना vibration के sound produce नहीं हो सकता, या फिर कोई भी body जो vibration कर रहा है उसे sound का production होगा। It is not necessary that we always see the vibration of a body that produces sound. No, it's not necessary always. Either we can see or we can't. But if a body is producing sound, there is a reason, that is the body is in a vibrational motion. Fine. अब आते हैं medium of travel के लिए कि अगर sound है तो हम सब जानते हैं कि sound क्या है। Sound एक mechanical wave है, और mechanical wave को एक material medium चाहिए होता है उसके propagation के लिए। Fine. कोई भी जो sound चूँकि एक mechanical wave है तो इसको एक medium चाहिए होगा इसके travel के लिए। विदाउट मीडियम ये ट्रैवल ही नहीं कर पाएगा। तो भाई ऐसा कैसे कह सकते हैं हम, इसके पीछे का कारण क्या है? तो आइए इसको हम देखते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने एक एपरेटस लिया टू सो दैट द साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। लेट अस टेक एन एग्जांपल। व्हेन अ करंट इज स्विच्ड ऑन द बेल स्टार्ट्स रिंगिंग एंड वी कैन इजिली हियर द साउंड ऑफ अ रिंगिंग बेल, इट्स हियर द साउंड ऑफ अ रिंगिंग बेल। यहाँ ये एपरेटस देखिए, ये वाले एपरेटस में क्या है, ये एक बेल जार है। ये जो ब्रश दिख रहा है आपको, इट्स कॉल्ड एज बेल जार, बेल जार है। और इस बेल जार को अपन एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इट्स अ बैटरी। और यहाँ पे स्विच है, ठीक है, इट्स अ स्विच। इस बेल जार में क्या है, जैसे ही इस स्विच को अपन ऑन करेंगे, इफ स्विच इज ऑन, यहाँ से करंट फ्लो करेगा और ये बेल तक पहुँचेगा। जैसे ही बेल तक पहुँचेगा तो यहाँ पे रिंगिंग स्टार्ट हो जाएगा, ये रिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। तो रिंग करना स्टार्ट हुआ तो मेरे को ये बेल सुनाई देना चाहिए। देख, एक चीज़ क्या है, नीचे में ये है वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप एपरेटस में क्या क्या है, एक है बेल जार, फिर एक है बेल, एक बैटरी है, एक स्विच है। जैसे ही स्विच को ऑन किया तो करंट यहाँ से फ्लो किया बेल तक, बेल में जैसे ही करंट आया उसके बाद ये बेल रिंगिंग करना स्टार्ट कर दिया। नीचे क्या है, एक वैक्यूम पंप है। इस वैक्यूम पंप का काम क्या है, ये वैक्यूम पंप एयर रिमूव करता है, इट रिमूव्स एयर। ये एयर रिमूव करता है बेल जार में से। सबसे इनिशियली क्या था, इस बेल जार के अंदर एयर था, तो जैसे ही ये स्विच ऑन कर रहा है इसमें तो मेरे को एक साउंड सुनाई दिया, दैट इज़ वेरी लाउड, एक बहुत ही लाउड साउंड सुनाई दिया। कब, जब इसके अंदर पूरा एयर था, क्योंकि जैसे ही ये वाइब्रेशन करना स्टार्ट करेगा तो ये यहाँ पे वेव का प्रोडक्शन होगा। जैसे ही वेव का प्रोडक्शन होगा तो चूंकि साउंड एक मैकेनिकल वेव है तो इसको कोई मीडियम चाहिए होगा ट्रैवलिंग के लिए। तो इनिशियली इसके पास बहुत सारा एयर है तो उसके पास मीडियम है ट्रैवल के लिए, तो इसलिए ये साउंड मेरे को सुनाई दिया। जैसे जैसे ये वैक्यूम पंप अपना काम करेगा वो क्या करेगा, धीरे धीरे एयर रिमूव करेगा। जैसे जैसे यहाँ से एयर रिमूव करेगा तो जो साउंड है वो लाउड के बदला फेंट होने लगेगा, यानी फीका पड़ने लगेगा, फेंट या फीबल होने लगेगा। तो जो लाउडनेस है वो बहुत कम होते जाएगा। जैसे जैसे वैक्यूम पंप अपना काम करेगा, एयर को रिमूव करेगा, यहाँ से एयर कम होते जाएगा, फिर थोड़ा सा एयर कम हुआ, फिर थोड़ा सा एयर कम हुआ, तो वैसे से साउंड भी फेंट होते जाएगा, फीका पड़ते जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है इस वाले में, बट एज वी स्टार्ट रिमूविंग एयर बाई मीन ऑफ वैक्यूम पंप द साउंड ऑफ रिंगिंग बेल गोज ऑन बिकमिंग फेंटर और लाइटर। Then finally, when there is no air left inside, we will be unable to hear the sound of the bell, or we can say that it will stop ringing. जैसे ही ये वैक्यूम पंप अपना काम स्टार्ट करेगा करना, धीरे धीरे एयर रिमूव करेगा। जैसे जैसे एयर रिमूव करेगा तो साउंड का लाउडनेस है वो फेंट होते जाएगा, यानी फीका पड़ते जाएगा। पहले बहुत लाउड था, अब जो आवाज़ सुनाई देगा वो हमको बहुत ही धीमा आवाज़ सुनाई देगा, बहुत ही लाउड लाइटर आवाज़ सुनाई देगा, ठीक है। धीरे धीरे जैसे ही इसमें से एयर निकलेगा, जब पूरा एयर निकल जाएगा तो फिर ये जगह क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वैक्यूम। वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता, तो चूंकि इसमें कोई एयर नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, तो अब क्या होगा, मेरे को साउंड सुनाई नहीं देगा। अंदर वाइब्रेशन हो रहा है, वेव का प्रोडक्शन भी हो रहा है, लेकिन मेरे को आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा। क्यों? क्योंकि जो बेल जार है उस बेल जार के अंदर एयर है ही नहीं, इस वेव के पास कोई मीडियम ही नहीं है ट्रैवल करने के लिए। जब तक मीडियम नहीं होगा ट्रैवलिंग के लिए तब तक मेरे पास आवाज़ आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इस एपरेटर से, इस एग्जांपल से हम लोगों ने क्या प्रूफ करा, जब तक इस बेल जार में एयर था तब तक इस जो वेव प्रोड्यूस हो रहा था इस रिंगिंग के कारण, इस
हैमनिंग के कारण जो वेव प्रोड्यूस हो रहा था उस वेव को मीडियम मिला था ट्रैवलिंग के लिए। जैसे ही इसमें से अपन एयर रिमूव कर दिए तो फिर क्या हुआ, वेव तो प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन उसको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं मिल रहा, और मीडियम नहीं मिला यानी कि वो प्रोपेगेट नहीं करेगा, वो ट्रैवल नहीं करेगा, और विदाउट ट्रैवलिंग वो मेरे कानों तक नहीं पहुँचेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि जो साउंड है वो एक मैकेनिकल वेव है और इसको एक मटेरियल मीडियम का ज़रूरत होता है या फिर मीडियम का ज़रूरत होता है अपने ट्रैवलिंग के लिए या प्रोपगेशन के लिए। समझ में आ रहा है चीज़? तो इस एग्जांपल से क्लियर है कि कोई भी मैकेनिकल वेव या साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम का ज़रूरत होता है, आइदर इट कैन बी एयर, लिक्विड और सॉलिड। समझ में आ गया? पक्का है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेसेसिटीज आर दैट द बॉडी शुड वाइब्रेट सो दैट द साउंड कैन बी प्रोड्यूस। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि बॉडी का वाइब्रेशन होना बहुत जरूरी है। अगर बॉडी वाइब्रेट नहीं करेगा तो साउंड का प्रोडक्शन नहीं होगा। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मीडियम विच रिसीवर कैन हर्ड। दूसरा क्या है, एक उसको मीडियम चाहिए होता है, ठीक है। थर्ड क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स इज रिसीवर, और एक रिसीवर भी होना चाहिए सुनने के लिए। रिसीवर इज द वन हु कैन हियर द साउंड। ऑब्वियसली भाई, अगर साउंड प्रोपगेट कर रहा है, साउंड अगर ट्रैवल कर रहा है तो उसके लिए एक रिसीवर होना चाहिए। बिना रिसीवर के कैसे हम जाने कि हाँ साउंड प्रोपगेट कर रहा है? मान लो कहीं पे कोई गाना बज रहा है, हम वो गाना सुन नहीं पा रहे, तो क्या मेरे को पता चलेगा कि वो गाना बज रहा है या फिर बंद है? नहीं ना। इसका मतलब है कि रिसीवर चाहिए। तो जो तीन नेसेसरी चीज़ था प्रोडक्शन ऑफ साउंड के लिए वो क्या था, अ वाइब्रेटिंग बॉडी, मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल एंड अ रिसीवर। तो ये तीन चीज़ बहुत जरूरी है किसी साउंड के प्रोडक्शन के लिए। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो देयर आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच आर एज फॉलोज। फर्स्ट क्या है, लाउडनेस। सेकेंड है पिच। थर्ड है क्वालिटी और फोर्थ है इंटेंसिटी। तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड के। आइए इस चारों कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग देखते हैं। अब आते हैं अपने पहले कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लाउडनेस। तो जो साउंड है वो साउंड दो तरह की होती है, एक तो लाउड और एक फेंट। ये भी जैसे पढ़ा है ना, लाउड क्या होता, जिसका आवाज़ मेरे को बहुत ज़्यादा सुनाई दे वो एक तरह से लाउड है, और जिसका आवाज़ मेरे को बहुत कम सुनाई दे लाइटर वो क्या है, फेंट है। तो ये दो चीज़ जो है, लाउडनेस और लाइटर साउंड या फिर फेंट साउंड, ये किस पे डिपेंड करता है? तो इट डिपेंड्स अपॉन द लाउडनेस। यही लाउडनेस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है पहला साउंड का। सो इट इज़ द डिग्री ऑफ सेंसेशन ऑफ साउंड, यानी वो साउंड कितना लाउड है या कितना फेंट है, इसका जो मेजरमेंट है, जो डिग्री है, वो क्या है, लाउडनेस है। इट डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स है तो किसी न किसी चीज़ पे ये डिपेंडेंट करेगा। तो जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। याद करो, एम्पलीट्यूड पढ़ाए हुए हैं ना कि कोई वेव अपने मीन पोजिशन से कितना ऊपर या नीचे डिफ्लेक्ट करता है, ये क्या था, एम्पलीट्यूड। यानी कि उसका क्रस्ट का जो डिस्प्लेसमेंट था या ट्रफ का जो डिस्प्लेसमेंट था, यही क्या था, एम्पलीट्यूड। तो जो लाउडनेस है ये इस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। एम्पलीट्यूड डिटरमाइंस द लाउडनेस ऑफ साउंड। जो साउंड का लाउडनेस है वो किस पे डिपेंड है, एम्पलीट्यूड पे। तो एम्पलीट्यूड इसको डिटरमाइन करता है कि कोई साउंड कितना लाउडनेस है या फिर कोई साउंड कितना फेंट है, लाइटर है। लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी विच प्रोड्यूसेस द साउंड। और जो ये लाउडनेस है वो इसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंडेंट करता है। यानी लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी मोर द एम्पलीट्यूड लाउडर विल द साउंड। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा साउंड भी उतना ज़्यादा लाउडर होगा। यानी जितना कम एम्पलीट्यूड होगा साउंड भी उतना ज़्यादा लाइटर होगा या फेंटर होगा। इट इज़ मेजर्ड इन यूनिट दैट इज़ नोन एज डेसिबल। जाहिर सी बात है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये एक प्रॉपर्टी है उसकी, तो इसका कुछ ना कुछ मेजरमेंट होगा, कुछ ना कुछ यूनिट होगा, तो इसको अपन डेसिबल में मेजर करते हैं, ठीक है। द मोर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन लाउडर विल बी द साउंड। जितना वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा साउंड भी उतना ही लाउडर होगा, ठीक है। यानी अगर टू ऑफ फॉर्मेशन की बात करो तो ये अपने मीन पोजीशन से कितना आगे या पीछे की ओर डिफ्लेक्ट कर रहा है, ये जो एम्पलीट्यूड है ये जितना ज़्यादा होगा साउंड उतना ही ज़्यादा लाउडर होगा। लेसर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन द साउंड गेट्स फीबल। जितना ये एम्पलीट्यूड कम होगा साउंड उतना ही फीबल होते जाएगा, फेंटर होते जाएगा, लाइटर होते जाएगा। ये देखो इस फिगर में क्या है, ये लाउड स्पीकर है। क्या है, लाउड स्पीकर। सबके घर में होगा ना लाउड स्पीकर। ये लाउड स्पीकर क्या है, इट इज़ एन एम्पलीफायर। ये एम्पलीफाई करता है साउंड को। इसके अंदर कुछ एम्पलीफायर्स लगे होते हैं, जो आपका जो साउंड है, आपके फ़ोन का साउंड बहुत धीमा होता है, लेकिन जैसे ही उसको आप एक लाउड स्पीकर से कनेक्ट करते हो तो वो पूरे घर में फैल जाता है। क्यों? क्योंकि इस लाउड स्पीकर में एम्पलीफायर्स लगे हुए हैं जो आपके साउंड के एम्पलीट्यूड को एम्पलीफाई कर देते हैं, यानी बढ़ा देते हैं।
अगर तुम्हारा एम्पलीट्यूड पहले इतना है तो ये लाउड स्पीकर तुम्हारे एम्पलीट्यूड को और बढ़ा देगा। ठीक है, समझ में आ रहा? तो जो लाउडनेस है या जो फेंटनेस है वो किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। और लाउडनेस ऑफ अ साउंड का जो यूनिट है वो क्या है? डेसीबल। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट क्या है? पिच। पिच बेसिकली होता है कि कितना किसी का आवाज़ तीखा है, कितना किसी का आवाज़ पतला है, वो डिफाइन करता है आपका पिच। तो जो वुमेन होती हैं या जो गर्ल्स होते हैं उनका पिच ज़्यादा होता है, और जो मेंस होते हैं, जो बॉयज़ होते हैं, उनका पिच कम होता है। पिच बेसिकली डिफाइन करता है कि साउंड कितना तीखा है, कितना पतला है। ठीक है, अगर कोई लड़की बोलेगी तो साउंड बहुत पतला होगा, और अगर कोई लड़का बोलेगा तो साउंड थोड़ा सा मोटा होगा। तो इट इज़ अ प्रॉपर्टी दैट डिफाइंस द स्ट्रिलनेस और शार्पनेस और डेप्थ ऑफ अ साउंड। तो जो पिच है वो क्या है? ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो किसी साउंड के स्ट्रिलनेस को, पतलापन या उसके डेप्थ को, गहराई को बताता है। डेप्थ कहने का मतलब कितना वो गाढ़ा है, कितना वो मोटा है। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्वेंसी। फिर से वही चीज़, अगर ये करेक्टरिस्टिक्स है तो किसी न किसी चीज़ पर ये डिपेंड कर रहा होगा। तो जो पिच है वो आपका फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है। मोर द फ्रिक्वेंसी मोर द वॉइस इज श्रिल। किसी वेव का जितना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगा वो उतना ही ज़्यादा पतला होगा। लेसर द फ्रिक्वेंसी डीप इज द साउंड। और किसी साउंड का जितना फ्रिक्वेंसी कम होगा वो उतना ही डीप होगा, उतना ही मोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ बेबीज वॉइस हैज मोर फ्रिक्वेंसी एंड देयर बाई इट्स श्रिलर देन अ अडल्ट वॉइस। जो बच्चा होता है उसका साउंड बहुत ही श्रिल होता है इन कंपैरिजन टू एन अडल्ट वन। जैसे इस वाले दो फिगर्स में देखो, ये दो वेव्स है, इसमें अगर तुम काउंट करोगे तो फ्रीक्वेंसी, चलो काउंट करते हैं इसमें, एक दो तीन चार, तो इसमें फ्रीक्वेंसी कितना है? चार। अगर इस वाले में अपन काउंट करें तो एक दो तीन और भी चार। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम है। अगर एम्पलीट्यूड का बात करें तो इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है और इसका एम्पलीट्यूड कम है, तो यह साउंड ज़्यादा लाउडनेस होगा और ये साउंड ज़्यादा लाउड होगा और ये साउंड फेंट होगा। वैसे ही जैसे मान लो कि यहाँ पे एक वेव है ऐसा, ठीक है, इसमें इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? वन। फिर से एक वेव है ऐसे ऐसे ऐसे, इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? इसका फ्रीक्वेंसी फाइव। यानी ये वाला जो वेव है ये वेव डीप होगा, यानी किसी एडल्ट का वेव होगा, और चूंकि इसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो ये वेव किसका होगा? किसी बेबी का। यानी जिस वेव का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा वो उतना श्रिल्ड होगा, यानी वो उतना पतला होगा, और जिस वेव का फ्रीक्वेंसी कम होगा वो उतना ही डीप होगा। तो लाउडनेस फ्रीक्वेंसी, ये दोनों चीज़ समझ में आ गया, यानी लाउडनेस और पिच, ये दो करेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गया। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक्स है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स एंड गुड लक।